आज देश का हर नागरिक देशभक्ति में लगा हुआ है। कहीं तिरंगा यात्रा तो कहीं देशभक्ति में रंगे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज के दिन सभी प्रशासनिक कार्यालय के साथ प्राइवेट संस्थानों पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम भी हुए, पर इन्हीं कार्यक्रमों से जब महज औपचारिकता की बात देशभक्ति में आती है तब हर भारतीय को दुख होता है। इसी तरह के दुख की बात फिरोजाबाद के वन विभाग से सामने आई, जब शिकोहाबाद रेंज के वन्य अधिकारी महज औपचारिकता पूरी करते हुए एक आड़ी तिरछी लकड़ी पर उल्टा ध्वज फहराने के बाद बिना समय गवाए कार्यालय से चले भी गए। राम प्रवेश, आप किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ उसका चल रहा हूँ, दैनिक वेतन पर। दैनिक वेतन नहीं, चौकीदार हैं क्या हैं यहाँ पे? सफाई कर्मचारी। ये झंडा किसने फहराया है? नहीं, कौन अधिकारी से पहले फहराया होगा अधिकारी? नहीं, किसने, किस अधिकारी ने फहराया? वन क्षेत्र अधिकारी ने फहराया होगा, और कौन सा? नहीं तो ये उल्टा झंडा फहरा है, फिर क्या है, क्या नाम है वन क्षेत्र अधिकारी? नाम तो मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी यहाँ कहाँ पर हैं आप और क्या है, पूरी स्थिति बताएं। वन विभाग के जो पौधारोपण का है, क्या वो है नर्सरी, उस पर हूँ। और मैं सुबह यहाँ पौधे लगाने के उद्देश्य से आया था पौधे खरीदने, तो मैं आया तो यहाँ मैंने देखा उनसे यहाँ एक होल्ड क्लास कर्मचारी मिले, मैंने उनसे पूछा था, तो उनसे मैंने पौधे, मुझे बड़े पौधे चाहिए रहे थे, इस चक्कर में आया था मैं, तो पौधे वो उन्होंने बताया कि नहीं है। इतने में मेरे इनके ऑफिस पर लगे झंडे पर लगा पड़ी, तो झंडा उल्टा फहरा रहा था और जो है लकड़ी पर फहरा रहा था, तो इसकी मैंने सूचना जिलाधिकारी और SDM महोदय को देना चाहिए। मैंने उन दोनों लोगों को फ़ोन किया, SDM महोदय का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था और जिलाधिकारी को दो बार फ़ोन किया, उनका फ़ोन उठा लें। अच्छा, तो ये संबंध में मैंने आप मीडिया के लोगों का बोध कराया, वो मीडिया के लोग आ गए, घटनास्थल पर देखा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।